अब इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट सॉल्व करते हैं तो आसान तरीका क्या है, क्योंकि इनके बीच में इक्वल साइन है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इस तरह अगर आप देखें तो 2 और सी ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एक आंसर हमारे पास निकल आया, सी इज इक्वल टू 2। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो ए है यहां पर, और यहां सेकंड पोजीशन पे क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू -1, ये दूसरा आंसर हमें मिल गया है। अब थर्ड पोजीशन पे यहां पर बी है और यहां पर क्या है, 4। तो ए कौन सा हमें मिल गया, बी इज इक्वल टू 4। और इसके अलावा 8, यहां पर भी 8 है, 2 और यहां पर भी 2 है, अब ये -3 और यहां पर क्या है, D। तो इसका मतलब D का आंसर भी हमें मिल गया है, D इज इक्वल टू -3।